भागलपुर सेंट जोसेफ स्कूल की छात्रा से 27 अगस्त 1 सितंबर व 12 सितंबर 2023 को दो खेल शिक्षकों द्वारा छेड़छाड़ करने के मामले में प्राचार्य अमल राज की संरक्षण वाली भूमिका सामने आने पर उनके खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। ललमटिया थाना अध्यक्ष हरेंद्र कुमार ने सोमवार को फादर अमल राज के विरुद्ध न्यायालय से वारंट निर्गत होने की पुष्टि की है। ललमटिया पुलिस ने घटना की जाँच के क्रम में फादर अमल राज की संलिप्तता संबंधित साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद न्यायालय में अर्जी दे रखी थी, जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा वारंट जारी किया गया है। उधर नीच एवं कुसंस्कारी फादर अमल राज गिरफ्तारी के भय से स्कूल के उप प्राचार्य को प्रभार देकर भूमिगत होकर अग्रिम जमानत की आस में अर्जी दाखिल कराने के लिए वकीलों से संपर्क कर रहा है। बता दें कि स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल फादर अमल राज की जानकारी में घटना का सच 27 अगस्त 2023 को ही आ गया था, लेकिन छात्रा से छेड़छाड़ करने वाला दोनों खेल शिक्षक मुकेश कुमार व प्रिंस यादव प्रिंसिपल का चमचा था। इससे सीसीटीवी कैमरे में कैद दोनों शिक्षकों की करतूत को लेकर अमल राज ने चुप्पी साध रखी थी। दोनों शिक्षकों को प्रिंसिपल का संरक्षण प्राप्त होने के कारण दोनों का मनोबल बुलंद था और 12 सितंबर 2023 को छात्रा को दोनों शिक्षकों ने फिर कक्षा से स्पोर्ट्स रूम में बुलाने का दुस्साहस किया था। पीड़ित छात्रा को वहां बुलाकर दोनों शिक्षकों ने जोर जबरदस्ती करने की भी कोशिश की थी। हालांकि फिलहाल पुलिस शिक्षकों के नाम पर कलंक फादर अमल राज का पता लगाने की कोशिश कर रही है। भागलपुर मेडिकल कॉलेज की दो दिवसीय हड़ताल के बाद जवाहरलाल नेहरू कॉलेज अस्पताल की ओपीडी मंगलवार दोपहर से ही शुरू हो गई। यह हड़ताल एक मेडिकल छात्र की आत्महत्या के विरोध में बुलाई गई थी। बता दें कि प्राचार्य अशोक भगत, सदर अधीक्षक उदित नारायण सिंह, एसडीओ धनंजय कुमार और सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी मौके पर पहुंचे और हड़ताली छात्रों से बात की। अधिकारियों द्वारा छात्रों को उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन देने के बाद हड़ताल समाप्त कर दी गई। इस दौरान ओपीडी बंद होने के कारण दूर दराज से आए मरीजों को बिना इलाज के ही लौटना पड़ा। वहीं दूसरी पाली में ओपीडी सुचारू रूप से खुली और ओपीडी शुरू होते ही रजिस्ट्रेशन काउंटर पर मरीजों की भीड़ लग गई। अस्पताल प्रशासन ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जितने भी बच्चे बैठे हैं वो 2022 बैच के छात्र हैं जिनकी यूनिवर्सिटी एग्जाम चल रही है, उन्होंने अपने दोस्त सहपाठी के लिए अपनी एग्जाम छोड़ी है। तो हमारी ये दरख्वास्त है अपने कॉलेज से भी और आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से भी कि कृपया वो दो एग्जाम जो ये छोड़े और कल का भी छोड़ने वाले हैं वो प्लीज रीशेड्यूल किया जाए। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो बच्चा बहुत ही गरीब परिवार से था, उसे कंपेंसेशन मिलनी चाहिए, इस बात का ध्यान कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन दे और उस परिवार से बात करे। लगातार हमारा एक बैचमेट सुसाइड किया, उसमें आलोका शर्मा सर के द्वारा दिया गया प्रेशर प्रमुख कारण है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आलोका शर्मा सर का सर्वप्रथम रेजिग्नेशन हो और ये हड़ताल तब तक चलेगी जब तक कि आलोका शर्मा सर रिजाइन नहीं कर रहे हैं। और क्या कुछ डिमांड है? और हम लोग यानी यदि हम लोग को हॉस्टल मिला रहता, यदि उसको हॉस्टल मिला रहता तो वो आइसोलेट नहीं होता, और आइसोलेट नहीं होता तो वो ऐसा कदम नहीं उठा पाता और ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कर पाता, अपनी जो भी उसके अंदर जो बातें चल रही थी वो शेयर करता तो ऐसा कदम नहीं उठा पाता। तो हम लोग ये भी मांगे हैं कि सारे बच्चों को हॉस्टल दिया जाए ताकि आगे से ऐसा कोई कदम न उठाए। ओपीडी को फंक्शनल करा दिया गया है और ओपीडी अभी से लगातार चालू रहेगी। साथ ही साथ जो भी घटना घटी है उसमें जो बच्चों की मांग थी उसके लिए कॉलेज प्रशासन की तरफ से एक टीम की का गठन कर दिया गया है। साथ ही साथ उन बच्चों का मांग था कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से भी लोग रहें, तो प्रिंसिपल साहब के द्वारा डीएम साहब को एक पत्र दिया गया है किन्हीं पदाधिकारी को नामित करने के लिए। तो कमेटी अपना जांच रिपोर्ट आने वाले 3 से 4 दिनों में जो भी बिंदु हैं जो बच्चों के द्वारा उठाए गए हैं उस पर देगी, और अन्य जो मांगे हैं बच्चे की जो हॉस्टल से संबंधित हो या फिर रीडिंग रूम से संबंधित हो वो सब सारी चीज़ विभाग के स्तर पे प्रिंसिपल साहब के द्वारा फॉलोअप किया जा रहा है। और अभी से ओपीडी और इमरजेंसी बाधित नहीं रहेगा और लगातार फंक्शनल रहेगा। हम लोग इस पर ध्यान रखेंगे कि ये सब कुछ फंक्शनल रहे। बिल्कुल, जो भी बच्चों का आरोप है उसके लिए जो टीम गठित की गई है वो इन सब सारी बिंदुओं पे जांच कर रही है। एनाटॉमी एचओडी डॉक्टर
आलोक शर्मा पर लगे आरोप समेत अन्य मांगों के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार भगत ने 5 सदस्यीय टीम गठित कर दी है। कमेटी 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट प्राचार्य को सौंप देगी, उसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कमेटी के सदस्य आंदोलनकारी छात्रों से बात भी करेंगे। इधर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ओपीडी में इलाज कराने आए मरीज जब निराश हुए तो लगभग 50 की संख्या में इमरजेंसी वार्ड घुस गए। यहां कतार में लगकर पंजीयन कराने लगे पर उनका पंजीयन नहीं किया गया। काउंटर पर उन्हें कहा गया कि इमरजेंसी में आम नहीं गंभीर रूप से घायल मरीजों का इलाज होता है, जिसके बाद मरीज वहां से वापिस हो गए। कई मरीजों का आंदोलन के कारण बुरा अनुभव रहा, वे अपने स्वजनों के लिए चिंतित दिखे। एनाटॉमी के जो एचओटी होने पर आरोप लग रहा था, उसे के लिए जांच होगी। हाँ बिल्कुल, जो भी बच्चों का आरोप है उसके लिए जो टीम गठित की गई है वो इन सब सारी बिंदुओं पे जांच कर रही है। भागलपुर सनौला प्रखंड के सिलन खजूरिया अंतर्गत साहूपाड़ा गांव में कृषि विभाग द्वारा रबी किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता आत्मा के सहायक प्रखंड तकनीकी प्रबंधक अजय कुमार मधु, कृषि समन्वयक सुभाष सूर्य एवं किसान सलाहकार प्रकाश कुमार शर्मा ने की। इस दौरान किसानों को उन्नत खेती के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी गई, साथ ही केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करने की सलाह दी गई। केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करने से खेत की मिट्टी खराब हो जाती है और ऐसे में खेत बंजर हो जाता है, इसीलिए सभी किसानों को जैविक खेती के लिए जागरूक किया गया। इसके अलावा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मिलने वाले प्रोत्साहन राशि का भौतिकी सत्यापन, ईकेवाईसी, एनपीसीआई लिंकिंग, किसान क्रेडिट कार्ड योजना आदि के बारे में जानकारी दी गई। रवि किसान चौपाल का आयोजन कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन आत्मा भागलपुर की ओर से की गई थी। मेरा नाम अजय कुमार मधु हुआ और हम सहायक तकनीकी प्रबंधक सनौला में कार्यरत हैं कृषि विभाग से, और उसमें हम ये आत्मा के द्वारा ग्रुप का निर्माण करवाते हैं और उसमें प्रशिक्षण देते हैं, और ये प्रशिक्षण हो गया उसके बाद उसको परिभ्रमण कराते हैं, उसके बाद पाठशाला करवाते हैं, उसके बाद उसमें ये क्या कहते हैं खाद बीज का लाइसेंस दिलाते हैं। वो जो 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 किसान खाद बीज का लाइसेंस है तो वो सिर्फ मैट्रिक पास होना चाहिए, तो उसको खाद बीज का हम लोग ट्रेनिंग दिलवा के वहीं पे लाइसेंस के लिए अप्लाई करवा देते हैं। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। भागलपुर में पहली बार चौबीस हबीब अकादमी सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत मजदी पंचायत के मुशहरी टोला में विद्यालय नहीं होने पर महादलित परिवार के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। इससे निराश मुशहरी टोला निवासी रूबी देवी, गीता देवी, सुशीला देवी एवं सामाजिक आंदोलन के सदस्य शंकर विंद ने बताया कि पूर्व में मुशहरी टोला में विद्यालय हुआ करता था, पर शिक्षक का स्थानांतरण होने के कारण विद्यालय मजदी पंचायत के यादव टोला में स्थानांतरित कर दिया गया। वहीं यादव टोला जाने के दौरान सड़क दुर्घटना में पासवान व मांझी परिवार के 3 बच्चे की मौत हो गई।
जिससे मुसहरी टोला के बच्चे भयभीत हो गए और करीब 150 बच्चों का पठन पाठन रुक गया। ग्रामीण मोहम्मद इजराइल ने बताया कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी सुल्तानगंज को मांझी परिवारों के द्वारा हस्ताक्षर कराकर आवेदन देकर मुसहरी टोला में विद्यालय की मांग की गई है, जिसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही मुसहरी टोला में विद्यालय का संचालन किया जाएगा। इस दौरान महादलित परिवार के सैकड़ों लोग मौजूद थे। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के गंगटी गांव में हटिया बाजार का उद्घाटन नवादा मुखिया प्रतिनिधि प्रभाकर मंडल, पंचायत समिति प्रतिनिधि राजेश सिंह, सुधीर सिंह एवं गुट्टू दुबे के द्वारा फीता काट कर किया गया। इस दौरान मुखिया प्रतिनिधि प्रभाकर मंडल सहित जनप्रतिनिधि एवं नेताओं ने कहा कि गंगटी हटिया बाजार खुलने से नारायणपुर, मीरहट्टी, शाहबाद सहित आसपास के लोगों को बाजार करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब आसपास के सभी लोगों को मार्केटिंग करने में आसानी होगी। यहां सभी तरह के साग सब्जी एवं साज सज्जा के सभी सामान उपलब्ध होंगे। मौके पर गंगटी हटिया बाजार के अध्यक्ष महंत संजय कुमार दास, उपाध्यक्ष शैलेंद्र दास, सचिव निर्धन दास, उपसचिव श्याम दास सहित अन्य ग्रामीण मौजूद।